अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं सारे दोस्त। वेलकम टू माय चैनल कोरियन टेक 24। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है मैं उन दोस्तों के लिए बना रहा हूँ जो इस बात से बहुत परेशान है कि हमारी मंजूरी क्यों नहीं हो रही, ये मंजूरी कैसे होती है, क्या ये ओवरसीज़ वाले करवाते हैं या फिर HRD वाले इसको कैसे करते हैं। और दूसरे नंबर पर कुछ लोग ये बात बहुत बार बार पूछ रहे हैं जो अभी नेक्स्ट मंथ या मई में या अप्रैल में जो अजरा होंगे उसमें 18 वालों के अलावा 19, 20 और 21 वाले भी शामिल होंगे या नहीं होंगे। तो इसके ऊपर मैं आज आपको बताता हूं कि ये क्या प्रोसेस होता है, कैसे आपकी मंजूरी होती है, जब आपके कागज़ वापस चले जाते हैं तो दोबारा कैसे आते हैं, और 2019, 20 और 21 वाले इस जो अजरा होगा नेक्स्ट मंथ या मई में उसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी न्यू लड़के आए इसमें वो लैंग्वेज भी सीख सकें और जो मैं न्यू वीडियो इन्फॉर्मेशन या फिर स्टडी के रिलेटेड अपलोड करूं तो वो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बताता हूँ कि मंजूरियाँ कैसे होती हैं। तो देखिए, जो HRD का दफ्तर है कोरिया में मौजूद है, जो उसमें सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं है कि जिसको वो हैंडल कर रहे हैं, इसमें सारी जो कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश, फिलीपाइन, उसके बाद इंडोनेशिया, थाईलैंड, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, कर्गिस्तान, सबको एक ही इदारा हैंडल करता है, वो है HRD। और जितनी भी कंट्री से लोगों ने टेस्ट पास किया होता है सब के कागजात वही मैनेज करते हैं, वही इनको अप्रूवल देते हैं, वही इनको चेक करते हैं, वही उनको वापस भेजते हैं, वही जब अजरा के बाद सारे डॉक्यूमेंटेशन उनकी यही इदारा करता है HRD। तो इसलिए हमारे तो पाकिस्तान में 500, 600, 700, 800 या मैक्सिमम 1000 लड़का होगा कि जो है ना आने वाला होगा, लेकिन ये बांग्लादेश, नेपाल में हज़ारों लाखों की तादाद में लोग होते हैं, और उसके बाद कोरिया में भी लाखों की तादाद में वर्कर्स मौजूद हैं जिनको HRD हैंडल करती है। सबसे पहली बात तो मैंने आपको ये बतानी थी। आप ये ना समझें कि बस पाकिस्तान के ही डॉक्यूमेंट्स इनके पास हैं और ये इनको ही देखते हैं और किसी को नहीं देखते। तो जब HRD के पास डॉक्यूमेंट्स आपके आते हैं तो वो उनको चेक करते रहते हैं सब कंट्रीज़ के लोगों को, और जिस जिस के कागजात ठीक होते हैं उनको वो अप्रूवल देते जाते हैं और वो लेबर कोर्ट में कागज़ जाते रहते हैं। इसकी कोई भी जो है स्पेशल डेट नहीं होती कि इस डेट को उन्होंने अप्रूवल देनी होती है या इस डेट को उन्होंने आपकी मंजूरी करनी होती है। और उसके बाद जिसके डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला आता है, किसकी पिक्चर का मसला होता है, किसी के नाम का मसला होता है या किसी का किसी भी चीज़ का मसला होता है, तो उसको वो वापस भेज देते हैं। जब आपके कागज़ भेजने के बाद दोबारा आता है कि दोबारा वापसी, तो वो ये मसला होता है, लेकिन उसमें आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स वापस आ गए हैं तो पता नहीं क्या हो गया, ये वो कुछ नहीं है। जो हमारा इदारा बैठा हुआ है ओवरसीज़ का, उसका यही काम है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला आता है, कोई परेशानी होती है, तो वो उसको हल करके वापस भेज देते हैं, या कोई बड़ा मसला इशू हो तो वो फिर आपको कॉल करते हैं। और हाँ, एक बात मैं आपको और बताऊँ कि जो दोस्तों के कागजात लेबर कोर्ट में चले जाते हैं तो वो जॉब रोस्टर में उनका डेटा जो है वो अपलोड कर दिया जाता है। और जब अभी अजरा होंगे, जो अभी अजरा होंगे, इसमें जिस जिस दोस्त की अप्रूवल हो गई होगी, यानी कि मंजूरी हो गई होगी, तो वो अजरा में शामिल होगा, चाहे वो 18 वाला हो, 19 वाला हो, 20 वाला हो या 21 वाला हो, जो आ जाएगा उनके अजरा होंगे, वो अजरा में शामिल होंगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो डॉक्यूमेंट्स आपके भेजते हैं, जब कोई मालिक सेलेक्ट कर लेता है तो आपका वीज़ा आ जाता है, ये बात होती है, वीज़े भी आएंगे आपके इंशाल्लाह ताला, और आपके जो है वो अभी अप्रूवल हो भी रही हैं और होती भी जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता होती रहेंगी। और एक बात आपको मैं और बताऊं, आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिनके डॉक्यूमेंट्स दोबारा अभी एक दो महीने के अंदर वापसी होगी, वापसी भेजना होगा, फिर दोबारा वापसी होगी, मंजूरी होगी, फिर जो है ना अगर वापसी होती है कागज़ों की, वो भी लोगों के अजरा होंगे। मैंने देखा है अपनी आँखों से कि दोबारा भेजना आया होता है, यकदम से जाते हैं उनके कागज़ ओवरसीज़ में, वो सही करके उनको भेजते हैं, उनकी अप्रूवल होती है और वो जो है उनका अजरा हो जाता है। तो इसमें परेशान होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह अजरा अभी होंगे, अभी कोरिया में वर्कर्स की शॉर्टेज है, तो बहुत सारी उम्मीद है
कि आपके अजरा होंगे लड़कों के, ज़्यादा लड़के आएंगे। तो अभी देखें आप, फ्लैटें भी आना शुरू हो गई हैं तो लोग आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि अजरा में 21 वाले, 20 वाले और 19, 18 वाले सारे शामिल होंगे। और 18 वाले अक्सर पूछते हैं कि क्या सर हम एक्सपायर हो गए हैं या क्या चक्कर है। तो देखो यार, जब तक लिस्ट ये नहीं लगाते कि ये दोस्त एक्सपायर हैं, तो उस वक्त तक तो कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं तो यही समझता हूँ कि अभी वो भी शामिल हैं इनमें, उनके भी अजरा हो सकते हैं। अगर लिस्ट लग गई है फिर तो आप कह सकते हो कि आप, उन्होंने जब कह दिया कि भाई आप कैंसिल हो गए हो, अगर नहीं कहा तो फिर आप इसमें ऐड हो, आप इस अजरा में शामिल होंगे। तो आप थोड़ा सा सब्र करो, जहां आपने इतना सब्र किया है। देखिए ये आपका मसला नहीं है, ये मैं इस चीज़ से 2012 में मैं कोरिया में आया था, तो उस वक्त से मैं इस चीज़ में अटैच हूँ, इस चीज़ के साथ है। हर दफ़ा लोगों के यही मसले मसाइल होते हैं, यही चीज़ें पूछते हैं बार बार के सर हमारे कागज़ ये वो हो गया, क्यों नहीं आ रहे, यही मसले मसाइल होते हैं। और आखिरकार फिर आते उसी वक्त हैं जब अल्लाह पाक की ज़ात को मंजूर होता है, जब आपका रिजक लिखा होगा, आना आपने उसी वक्त ही है। तो ये थी आज की वीडियो, जो मंजूरियों की वजह से परेशान थे, मंजूरियाँ कैसे होती हैं और अजरा जो है उसमें आप शामिल होंगे या नहीं होंगे, और या जिनके कागज़ भेजना आ गया है, दोबारा वापसी आ गई है, तो उनके लिए क्या बेहतर है। तो आपने परेशान होने की कोई नहीं होना है, परेशान होने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक की ज़ात बेहतर करेगी और आपके अजरा हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।